तो पर्सनली मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट्स 4 days per week वर्कआउट से मिला है, लेकिन मैंने काफ़ी लोग को 5 days per week वर्कआउट से भी बेनिफिट करते हुए देखा है। एक्चुअली क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका रिकवरी कर्व कैसा है। बेसिकली जितना स्ट्रांग आदमी है और जितना ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेन करते हैं उतना ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है और उतने कम वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरा चीज़ इस पर आ जाता है कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ट्रेनिंग में मोस्टली फुल बॉडी ट्रेनिंग करता हूँ, तो अगर मैं फुल बॉडी ट्रेनिंग कर रहा हूँ फिर 4 days a week रिकवर करना मेरे लिए सही रहता है। 5 days a week मैं रिकवर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो लाइटर बॉडी वेट के लिफ्टर्स होते हैं, स्पेशली वेट लिफ्टर्स जैसे फीमेल वेट लिफ्टर्स, 66 kg क्लास के मेल वेट लिफ्टर्स, इन लोग ये लोग मतलब वीक्स में 6 या 7 फुल बॉडी वर्कआउट्स भी कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनके रीज़न ये होता है कि उनका बॉडी वेट कम है, जिसकी वजह से उनकी जो वेट यूज़ कर रहे हैं वो भी रिलेटिवली कम है। साथ में लो बॉडी वेट के लोग जल्दी रिकवर भी करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के लिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस डेवलप करना बहुत हार्ड नहीं होता, और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बेसिकली रिकवरी का फाउंडेशन होता है। इस रीजंस की वजह से वो लोग ज़्यादा रिकवरी टॉलरेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको स्प्लिट रूटीन यूज़, समझ लो अपर लोअर स्प्लिट यूज़ कर रहे हो या सिंगल बॉडी पार्ट का स्प्लिट यूज़ कर रहे हो, फिर ज़्यादा वर्कआउट करने में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाते हो और होपफुली आप 1 week में सेम बॉडी पार्ट को 2 या 3 बार भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ज़्यादातर लोग के लिए वीकली हर बॉडी पार्ट को 2 बार करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस रीज़न की वजह से ज़्यादातर लोग या तो अपर लोअर या तो पुश पुल लेग्स या तो फुल बॉडी स्प्लिट यूज़ करते हैं। जो बहुत एडवांस लोग हैं उनको सिंगल एक बॉडी पार्ट को वीक में एक बार करना सही रहता है, नहीं तो उससे ज़्यादा वर्कलोड में उनकी रिकवरी होती नहीं है। तो उस रीज़न की वजह से उन लोग को फिर सिंगल बॉडी पार्ट का स्प्लिट यूज़ करना पड़ता है, तो फिर वो 5 या 6 days per week करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का कोई सिंपल आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी कैसा है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपका ओवरऑल फैक्टर्स क्या है। अगर डाउट में हो तो मेरे हिसाब से 4 days per week अपर लोअर का स्प्लिट सबसे सही रहता है, वो सबसे सेफ है। मतलब हर बॉडी पार्ट आप हफ्ते में 2 बार हिट कर रहे हो और आप गारंटीड इतना ओवरलोड दे रहे हो बॉडी को कि आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर रिस्क लेना चाहते हो या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो फिर 5-6 days भी ट्राई कर सकते हैं।